श्राद्ध पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसा माना जाता है कि 16 दिन तक हमारे पितृ पृथ्वी पर आकर हमारे घर पधारते हैं। इसलिए शास्त्रों में भी पितृ शांति और उनका आशीर्वाद पाने के लिए श्राद्ध कर्म करना जरूरी बताया गया है। यही कारण है कि हरिद्वार में दूर दराज से श्रद्धालु नारायणी शिला मंदिर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंड दान करने पहुंच रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित मनोज त्रिपाठी ने बताया कि नारायणी शिला मंदिर में श्राद्ध करने से व्यक्ति को 100 पितृ कुल के मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मंदिर में 16 दिन तक चलने वाले श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, तर्पण, नारायण बलि और गौदान और ब्राह्मण भोज जैसे कर्म किए जाते हैं। हरिद्वार से नवीश तोमर की रिपोर्ट। पितृ पर्व भी कह सकते हैं, नागत भी कहते हैं कई लोग, और श्राद्ध पक्ष भी कहते हैं। इस समय चंद्रमा का वो पृष्ठ भाग जो अंधकारमय रहता है वो धरती के सबसे अधिक नजदीक आ जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस पृष्ठ भाग पर पितृलोक है, तो सबसे अधिक नजदीक होने के कारण पितृलोक आसानी से हमारे घर में हमारी कृतज्ञता, हमारा जो उनके प्रति भाव है, हमारा उनके प्रति जो श्रद्धा है, उसको स्वीकार करने के लिए हमारे घर में पधारते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला के विषय में तो स्पष्ट वर्णन है, यस्तत्र कुरुते श्राद्धम श्रद्धा भक्ति समन्विता शतम मातृवंशापि पितृवंशापि शतम तथा स्वयं तारिता पितरस्तेन सत्यम न संशय। जो व्यक्ति यहाँ अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करता है वह अपने स्व पितृकुल पिता बाबा आदि और मातृकुल नाना नानी आदि और स्वयं का मोक्ष कर लेता, इसमें कोई संशय नहीं। इन 16 दिनों में व्यक्ति को श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। किसी कारणवश त्रुटि हो जाए, न कर पाए तो पितृदोष लगता है। इस कारण से नारायणी शिला मंदिर में आके अपने पितृदोष से मुक्ति पाया जा सकता है। और जिन लोगों को अपने घर में श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण को बुलाकर बैठाकर भोजन कराना चाहिए, देवते या ध्याने को अपने जरूर बुलाना चाहिए, गाय को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। पंचबली होती है, उसमें इन तीन की